बिहार में शराबबंदी है और वैशाली के सटे जिला सारण और सिवान में 45 लोग जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। 22 अगस्त को वैशाली के मझौली गांव में भी 4 दोस्तों ने पार्टी की थी, जिसमें 2 दोस्तों ने जान गंवा दी। जब उसको मैं देख करके अपना लड़का को निकला तो ये श्याम सुंदर राय से मेरे को बहस हो गया। श्याम सुंदर राय पिया हुआ था, समझे, पिया हुआ था वो, सब दिन से जो उसके साथ में जो पीता है उसी के साथ में पीता था, और वो ही टेलीफोन करके शाम को बुलाता था वो श्याम सुंदर। हाँ, उसको बाद वो उससे जब हमको बहुत सुनने लगा। राय कैसा व्यक्ति है ये? यहाँ ये शराब उराब के कारोबारी था? शराब उराब का कारोबारी नहीं है, उसका मुर्गा फार्म है। मुर्गा फार्म है, एक CCTV कैमरा लगा हुआ है, वहीं पर अड्डा जमता था, वहीं पे पार्टी। हाँ, वहीं पर अड्डा जमता था, और उसको वो शामिल है उसमें। उस दिन हमको बोल चुका है वो, उस दिन हमको बोल चुका है जो आपको कितना भी कुछ कर लीजिएगा लेकिन आपको लड़का नहीं बचेगा। इस बात को मेरे को बहुत दर्द हुआ और बहुत खटका, समझे। क्या हुआ था 22 तारीख को और कब सतीश जी की मौत की पता चला? 22 तारीख के सुबह में 6:30 बजे यहाँ से गाड़ी लेके 4 चक्का लेके गेल है। छोटू कमलेश जी दोनों फोन कल थी ना जे आवा हमरा ले चला सब परिवार के, हम जाए डॉक्टर के पास से, हमारा तबियत तो बहुत गड़बड़ाएल तो यहाँ से ड्राइवर के साथ है गेल भर्ती कराबे आ हाजीपुर। अब की भेल ना भेल हमारा कोई खबर पता ना, आ उन्हीं से उन्हीं PMC में चल गए, वह को खबर ना। हमें 8 बजे यहाँ बुलेटे पर चढ़े तब हाँ खबर आई, 8 बजे रात में। मैंने कुछ पिए हुए थे? हाँ, पीलक हो तब बुद्धे के पीलक हो तो रात में तो उठबे न पले। बुद्धे को 10-12 बजे में पीलक हो। क्या बताया कैसे उनकी मौत हुई? ना प्रशासन न बतलक, जो अभी रिपोर्ट प्रशासन के मुआवजा ऐसा मिला कुछ? कुछ न मुआवजा मिला, कुछ नहीं मिला न। इकलौता बेटा थे? एक वो लड़का, दू गो लड़की, पर से लड़का चौथा ऑपरेशन वाला लड़का रहे, चार चार ऑपरेशन से अंतिम में लड़का रहे छोटा वाला। क्या उम्र होगी सतीश जी? 29 साल। सतीश जी की पत्नी है, बताइए क्या हुआ था उस दिन, क्या पता चला था? रुइए नहीं, बताइए रुइए नहीं, क्या हुआ था, क्या पता चला था आपको? क्या हुआ था बताइए। एक इसको पार्टी के लिए छोटू इनवाइट किए थे कि हम गाड़ी लिए आप आइए, हम अथी पार्टी के लिए हम लोग पार्टी देंगे, वहां से शायद पार्टी उटी करके आए हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ पे खाना वाना खा के 3 बजे के करीब आए हैं, आके सो गए हैं, सो के उठे भी है, और रात में उठ के बउआ से पढ़ा उढ़ा के फिर खाना उना खा के फिर सो गए हैं। रात भर कोई दिक्कत नहीं हुआ, सुबह उठे हैं, बाथरूम गए हैं चाय पी के, और उसके बाद फिर यहाँ से अब गाड़ी 4 चक्का लेकर अपने से चला के गए हैं। थी छोटू फोन किए कि इसे आप आइए, हम सीरियस भेल है से, हम और कमलेश जी सीरियस भेल है, आप आइए डॉक्टर के लिए चलना है। यहाँ से निमन से गए हैं, 4 बजे के करीब में भी बात की है तो बोले हैं हमको ऐसा नहीं लगा कि उनका तबीयत खराब है, यहाँ से सही से गए हैं, सही से बात भी किए हैं। और 7 बजे के करीब में फोन आया है कि से अथी सतीश सीरियस भेल है और वेंटिलेटर पर चढ़ा हुआ है, जल्दी से घर आइए, हमको साजिश लग। हाँ, उसके बाद पता चला है। कुछ मुआवजा मिला? नहीं, हमको कोई सुविधा नहीं मिला, नहीं कुछ भी मिला है। कोई आया पूछने उसके बाद? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा बाबू बताओ, बोल दो पढ़ाई करते हो पढ़ाई करते हो? स्कूल जाता है ना? बोलो तो स्कूल जाते हैं। अंकल ने बोला, अंकल आते हैं। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई कौन सा क्लास में? कौन सा क्लास? कौन सा स्कूल में जाते हो? गुरुकुल। बोलो गुरुकुल। नाम क्या है तुम्हारा? अबेला। ठीक। सतीश के एक लड़का और एक लड़की है। जब हमने बच्चे और उनकी पत्नी से बात करना चाहा तो उनका आंसू छलक उठा।
बच्चा कैमरा और माइक देखकर पिता के नाम सुनते ही भावुक हो गया तो पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रशासन की तरफ से इस परिवार को अभी तक कोई मदद नहीं पहुंचाया गया। राजकुमार सिंह, न्यूज 18, मझौली।